अभी काम करते हैं, एक 1 ईयर का रिटर्न देख लेते हैं, अराउंड 1500% का रिटर्न। माय गॉड, बहुत ही हाई रिटर्न है, कैसे हो रहा है? हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में एक शेयर का एनालिसिस करने वाले हैं और उसके थ्रू से आप जान पाएंगे कि कैसे किसी भी एक शेयर की एनालिसिस किया जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम जानते हैं कि कैसे आप किसी भी शेयर का एनालिसिस कर सकते हैं। मैं बता दूं आपको कि आज मैं जिस शेयर के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो है तिलक एडवेंचर्स। इस शेयर को लेकर के जो प्रोमोटर्स बोले तो वो लोग जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाते हैं, एक बहुत बड़ा गेम खेला गया है। सो उस शेयर को हम कवर करने का आले हैं और साथ ही साथ हम जानेंगे कि कैसे आप बच सकते हैं और पहले स्टॉक्स क्या होता है, और इसके बारे में हम इस वीडियो में कवर करने वाले एनालिसिस भी लेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे आप एनालिसिस करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ दिखा देता है कि आखिर एक दिन में आपका ये जो शेयर का वैल्यू है कितना गिरा हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दिन में अराउंड 5% का गिरा हुआ है। उसी के साइड में देखेंगे, अगर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको 5 डेज मिलता है और 5 डेज में अराउंड ये 18% अराउंड 19% जो है ये शेयर का वैल्यू गिरा हुआ है। और वहीं अगर हम 1 मंथ के क्लिक करते हैं तो ये 1 मंथ में आप देख सकते हैं एक ऐसा आपको चार्ट देखने को मिल जाता है, दैट मीन्स कि ये बहुत अच्छा खासा ग्रो किया, उसके बाद जो है फिर से गिरने लगा है ये शेयर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल इसकी जो है 1 मंथ में आपको कितना रिटर्न मिला है, देख सकते हैं अराउंड 67% का रिटर्न आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। क्यों और क्या हो रहा है इसके शेयर के साथ, ये हम पूरा वीडियो में एनालिसिस करके हम जान पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर हम 6 मंथ की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर अराउंड आपको 1000% का रिटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स। सो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत ही बड़ा बात है। आखिर ये कैसे हो रहा है, चलिए हम ना अभी काम करते हैं, एक 1 ईयर का रिटर्न देख लेते हैं, अराउंड 1500% का रिटर्न। माय गॉड, बहुत ही हाई रिटर्न है, कैसे हो रहा है? अगर हम इसे 2021 का ही जुलाई मंथ में अगर देखें तो इसका शेयर वैल्यू जो प्राइस है अराउंड 3-2 रुपये के आसपास घूम रहा था, ठीक है। तो अब जो है ये अराउंड कब से, अक्टूबर मंथ से जो है ये बढ़ा है, अक्टूबर नवंबर तक बढ़ा है, नवंबर के बाद फिर दिसंबर में भी बढ़ा है, नवंबर दिसंबर में जो है, और दिसंबर के फर्स्ट वीक में अराउंड ये अपने पीक में था अराउंड 54 रुपीज़ के आसपास, और उसके बाद अगर आप देखें तो फिलहाल जो ये कम रहा है, ये अभी और गिरने वाला है। आखिर क्या हो रहा है जानना चाहते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका मार्केट कैपिटल की बात करें तो अराउंड 569 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। उसके बाद प्राइस अर्निंग रेशियो की बात करें तो 408 रुपये दिखा रही है। क्यों दिखा रहे हैं ये, सिर्फ ना आपको जो गैप दिख रहा नहीं है अराउंड एक से डेढ़ महीने का, इसी गैप की वजह से जो कि आप देख सकते हैं 150, 500, 600, 700% के जो रिटर्न दिखा रहे हैं, उसी वजह से जो है आपको यहाँ पर ये प्राइस अर्निंग रेशियो इतना हाई दिखा रहा है, ना इतना ज़्यादा होता ही नहीं है, ठीक है। चलिए हम इसके एनालिसिस देख लेते हैं। सो सिंपली जो है हम लोग मनी व्यू पर आएंगे और यहाँ ये एक फाइनेंस सेक्टर है, जैसे कि देख सकते हैं आप लिखा हुआ है फाइनेंस सेक्टर है, ठीक है। तो फाइनेंस सेक्टर है, 14% का आपको लॉस देखने को मिल रहा है, 1 मंथ में 84% का रिटर्न, 3 मंथ में 636 का रिटर्न, और वह 1 साल की अगर बात करें तो अराउंड 1500% का रिटर्न जैसा कि आप देख सकते हैं, और वहीं 1 ईयर की बात करें तो 1550। लेकिन वहीं अगर आप 3 साल के आसपास अगर जाते हैं, 3 ईयर्स की अगर देखें रिटर्न, तो यहाँ पर एकदम जीरो है। इससे क्या मालूम पड़ता है कि ये एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट है फ्रेंड्स, ये उतना काम ही नहीं करता है, इतना मतलब इसकी मार्केटिंग है ही नहीं, ना ही ये सेल हो रहा है। मैं आपको ऐसा कुछ दिखाने वाला हूँ जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि इसकी जो है मार्केटिंग हो ही नहीं रही है, बस ये इसको प्रोमोटर्स यूज कर रहे हैं अपने प्रॉफिट के लिए, ठीक है। तो हम चलेंगे फिलहाल जो है BSE में, क्योंकि ये जो शेयर है ना आपको NSE में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो फिर से हम बैक करते हैं और बैक करने के बाद सिंपली यहीं पर हम सर्च करेंगे BSE, क्योंकि ये जो शेयर है आपको NSE में देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। तो हम नीचे थोड़ा सा आते हैं, जैसे कि देख सकते हैं तिलक वेंचर्स लिमिटेड, तो हम लोग थोड़ा और नीचे आएंगे, हम देख लेते हैं 52 वीक्स हाई एंड 52 वीक्स लो की अगर वॉल्यूम देखें तो जैसे कि देख सकते हैं दैट मीन्स कि 1 साल में ये कितना ग्रो किया है और क्या हुआ इसके साथ। जैसे कि देख सकते हैं 52 वीक हाई की अगर बात करें तो 54 रुपीज़ एंड 35 पैसे था, और 52 वीक लो की अगर बात करूँ तो यहाँ सिर्फ 1 रुपये का शेयर है, ये 1 रुपये का शेयर है जो कि अराउंड अभी फिलहाल 54 रुपीज़ के आसपास भाग चुका है। कैसे हुआ ये, आइए जानते हैं आगे। तो अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर जो है आपको अनाउंसमेंट देखने को मिल जाएगा 2021 में, इनका जो कि मीटिंग वगैरह होता है उसका अनाउंसमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग राइट इशू जो भी इशू वगैरह है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। कॉर्पोरेट एक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है आपको कॉर्पोरेट एक्शन दैट मीन्स कि क्या क्या एक्शन लिया गया है इस शेयर्स को लेकर के, जैसे कि आप देख सकते हैं लास्ट एक्शन जो है इनका 2011 में लिया गया था। सो आइए दिखा दूं आपको, जैसे कि देख सकते हैं 2011 में लास्ट एक्शन था, उसके बाद से और कुछ मूवमेंट ही नहीं हुआ है इस स्टॉक के ऊपर। लाइक यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं स्टॉक स्प्लिट हुआ था 10 रुपये से लेकर के ये वापस 1 रुपये में आ गया था, और बोनस भी दिया गया था 4:1, ठीक है। तो अब हम एक और सीक्रेट चीज़ देखते हैं, दैट मीन्स कि बल्क में जो शेयर बाय किया गया है, कैसे कैसे बाय किया गया है।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड, जैसे मैं बल्क में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो है आपको डेट वाइज सारा डिटेल्स देखने को मिल जाता है कि कितना कितना शेयर्स जो है बाई किया गया है। अगर हम नीचे से बात करें यहाँ से 24 तारीख 9 मंथ, ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ जो है आपको अराउंड 15 लाख शेयर्स को बाई किया गया था 8 रुपये 84 पैसे में। ठीक है, कैसे बाय किया गया हमें कैसे मालूम पड़ा, यहाँ पर देख सकते हैं आप बाय लिखा हुआ है। ठीक है, फिर से जो है आपको ये फिर से और एक बार बाय किया गया है अराउंड 10,92,000 शेयर्स को 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से बाय किया गया था। एंड फिर से सेल किया गया है 1 तारीख को 9/10/11 अराउंड 2 महीने तक जो है शेयर्स को छोड़ दिया गया था इन लोगों के द्वारा जो भी इतना बल्क में शेयर्स को बाय किया था इन्होंने, अराउंड 2 मंथ के लिए शेयर्स को छोड़ दिया था इन्होंने। और डायरेक्ट दिसंबर मंथ में आकर के जो है दिसंबर के मंथ के फर्स्ट वीक के 1 तारीख में ही जो है अराउंड इन्होंने 7,26,000 शेयर्स को इन्होंने सेल किया है 47 रुपीज़ पर शेयर पे। ठीक है, उसके अगर देखें तो और एक बार फिर से सेल हुआ है यहाँ पर कितने तारीख को 6 दिसंबर को 11,65,000 शेयर्स को 54 रुपीज़ में 2,000 शेयर्स को जो है बाय किया गया है। मे बी ये फॉर्मेलिटी के लिए बाय किया गया होगा क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है अगर किसी ने इन्वेस्ट किया इतना, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं बाय किया गया था इतना का, तो अगर ये बंदा 6 दिसंबर को जो इसने सेल किया तो इसको कितना प्रॉफिट हुआ 6 दिसंबर को और 1 दिसंबर को, जैसे कि आप देख सकते हैं अराउंड 6 करोड़ का और 3 करोड़ अराउंड 4 से 5 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, आइए अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें ना डिटेल में देखने को मिल जाएगा कि आखिर कौन कौन से प्रोमोटर्स थे और किन किसने जो है बाय किया है। ठीक है, तो अगर हम नीचे आते हैं और थोड़ा नीचे आते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा कि 9 मार्च को जैसे कि देख सकते हैं 9 मार्च को फाइनेंस, कौन से फाइनेंस, बनास फाइनेंस लिमिटेड ने परचेस किया था कितने 20 लाख शेयर्स को। वहाँ पर जो है आपको मार्च का रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा था कितने रुपए में पर शेयर, प्राइस अगर देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस लिखा हुआ है तो इसका जो प्राइस है 2.69 रुपीज़ में इन्होंने जो है शेयर को बाय किया था। ठीक है, फिर सोनू अग्रवाल ने मतलब इससे भी पहले जो है इस बंदे ने पता नहीं कितने रुपये में खरीदा होगा इसने जो है सेल कर दिया। ठीक है, इसी प्राइस को जो है इसी शेयर को जो है अराउंड 14 लाख शेयर्स को 2 रुपये 70 पैसे में इसने सेल किया था। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो बैलेंस फाइनेंस ने जो है फिर से यहाँ पर उन्होंने सेल किया है शेयर को अराउंड 8 रुपये 50 पैसे में, कितने शेयर को सेल किया इन्होंने 6,42,000 शेयर्स को जो है इन्होंने सेल किया है, जिसमें से मतलब फिलहाल जो है इनके पास अभी और भी अराउंड 14 लाख शेयर्स इनके पास होंगे या फिर उससे भी ज़्यादा शेयर्स होंगे। ठीक है, उसके बाद जो है फिर से इन्होंने सेल किया था अराउंड 15 लाख शेयर्स को अराउंड 8 रुपये 84 पैसे में, दैट मीन्स कि इस कंपनी ने जो है मार्च से पहले भी शेयर्स को बाय करके इन्होंने रखा था। ठीक है, उसके बाद जो है बनास फाइनेंस ने फिर से एक और सेलिंग लगाई है अराउंड 13,90,000 शेयर्स को 8 रुपीज़ 8। ठीक है, उसके बाद अगर ऊपर देखें तो यहाँ पर और भी कुछ प्रोमोटर्स आए हुए हैं लाइक सोनू अग्रवाल, जो अर्गल पता नहीं ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया फिर जो भी हैं इन्होंने जो है फिर से यहाँ पर कुछ ने बाय किया है। यहाँ अगर देखें तो 2 जगह बाय हुई है अराउंड 8 रुपये में, और फिर से अगर आप ऊपर जाकर देखें तो यहाँ पर एक सेलिंग की गई है 47 रुपीज़ पर शेयर पर अराउंड 7,26,000 शेयर्स को सेल किया गया है। फिर से ऊपर की अगर बात करें तो प्रवीण कुमार ने फिर से एक सेल किया है यहाँ पर 11,65,000 को एट द प्राइस ऑफ 54 रुपीज़ 35 पैसे, मतलब इन्हें पता चल गया था कि एक हाई पीक अमाउंट है और उन्होंने जो है ठीक टाइम पर इन्होंने सेल कर दिया, और जब सेल किया तो जिस वजह से जो है वो शेयर का प्राइस फिर से आपको फॉल डाउन देखने को मिल रहा है, जहाँ 54 था वो 48 हुआ और फिलहाल जो है 44 में आपको फिलहाल वो शेयर देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से ये शेयर और भी नीचे गिरेगा क्योंकि अगर आपने उस शेयर में बाइंग किया होगा तो अगर आप दोबारा अगर आप उस शेयर को सेल करेंगे ना तो वहाँ जो है आपको लोअर सर्किट देखने को मिलेगा, दैट मीन्स कि यहाँ जो है कोई भी बायर ही नहीं है, कोई बायर ही नहीं है जो आपका शेयर अगर आप सेल करें तो जो है कि वो सेल हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम थोड़ा और बैक आते हैं और भी हम जानकारी लेते हैं इस शेयर के बारे में, कैसे शेयर की एनालिसिस की जाती है इसी शेयर के थ्रू से आप जान पाएंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा और नीचे आते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं बल्क एंड रिजल्ट्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको जो है देखने को मिल जाएगा रेवेन्यू की अगर बात करें तो क्या इनको रेवेन्यू मिला है अराउंड सिर्फ 2021 में जो है सिर्फ और सिर्फ 19 लाख रुपए का इनका रेवेन्यू था सितंबर में, जून की अगर बात करें तो 29 लाख रुपए का जो है इनका रेवेन्यू था। तो सोचिए कितनी छोटी सी कंपनी है ये, और हमें फिलहाल अगर अर्निंग पर रेशियो को देखें EPS तो यहाँ जो है आपको देखने को मिल जाएगा 2021 सितंबर में 0.02 पैसे का या फिर रुपीज़ का जो है आपको अर्निंग पर शेयर देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स कि 1 रुपये में जो है अगर आप 1 रुपये लगाते हैं तो यहाँ पर जो है आपको 0.02 पैसे आपको देखने को मतलब मिलेंगे, आई थिंक 100 रुपये में आपको जो है 0.02 पैसे आपको देखने को रिटर्न मिलेंगे। ठीक है,
जैसे कि आप देख सकते हैं यही सारा जो है डिटेल है। यहाँ अगर आप क्लिक करेंगे और डिटेल में अगर जाना चाहेंगे तो यहाँ जो है और भी आपको डिटेल में मिल जाएगा जानकारी कि आखिर ये जो कंपनी है इनका टोटल इनकम कितनी है, क्या लॉस में है या क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो ये कुछ दिनों में हाँ ठीक ठाक चल रहा है। इक्विटी अगर बात करें अर्निंग पर शेयर तो 0.03 04 0011 था अराउंड 2021 के फाइनेंशियल 2021 में, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है अब उसके बाद फिर से जब आप बैक आते हैं और यहाँ अगर आप देखें तो शेयर होल्डर पैटर्न्स में अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल जाएगा कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग कितनी है। जून में अराउंड ये 59.3% था और यही जो है फिर से होल्डिंग्स कम गया है अराउंड 57% के आसपास, ये और भी कम हो सकता है। और अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास अराउंड 42% की होल्डिंग्स है इस शेयर की, ठीक है। और वहीं अगर आप क्लिक करेंगे डिलीवरीज में तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ जो है अराउंड 100% मतलब पूरा का पूरा शेयर जो है डिलीवरी में ही है, कोई इसे इस शेयर को लेकर ट्रेड नहीं कर रहा, ट्रेड कर भी नहीं सकते हो आप, क्योंकि ये जो ट्रेड है ये जो शेयर है आपको लोअर सर्किट में हमेशा आपको देखने को मिलेगा। लोअर सर्किट जी हाँ, जब भी आप शेयर को सेल करने जाएंगे अगर आपके पास शेयर है या फिर अगर आप ट्राई कर सकते हैं बस शेयर को बाय करके, जब शेयर को बाय कर लेंगे तो इसे आप सेल करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हर बार इसमें यहाँ जो है आपको लोअर सर्किट आपको देखने को मिल जाएगा। लोअर सर्किट मीन्स नो बायर टू बाय योर शेयर्स, ठीक है फ्रेंड्स। और इसी प्रकार से और भी आपको जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाती है, लाइक सेल्स कितने हुए इनकी ना 20 सितंबर 2021 में सिर्फ और सिर्फ 19 लाख, इक्विटी कितने हैं 12.85 लाख, फेस वैल्यू क्या है 1 करोड़। जैसे कि आप देख सकते हैं यही सारी डिटेल्स आपको जो है बताती हैं कि आखिर ये जो शेयर है वो वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस शेयर में इन्वेस्ट किया है तो चांसेस है कि आप और भी ज़्यादा चोट खाएंगे, क्योंकि इसकी इसकी फ्यूचर फिर से वापस ये 2-4 रुपये में ही होने वाला है। सो ध्यान रखिए कि अगर कोई भी शेयर पेनी स्टॉक्स अगर इस लेवल पर बढ़ रहा है तो आपको बिल्कुल वहाँ पर हाथ नहीं लगाना चाहिए, छूना चाहिए, बाय नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कोई पेनी स्टॉक इस प्राइस के आसपास है तो आप यहाँ पर जो है बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम पेनी स्टॉक्स आपको खरीदना चाहिए। अगर आपका पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो 1% जो है आपको 1% से भी कम जो है हिस्सा पेनी स्टॉक्स में होना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट इस प्राइस रेंज में आपको जो है कोई भी पेनी स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए। इनकी बिजनेस भी अराउंड ऑलमोस्ट ठप हो चुका है, ये बिजनेस नहीं कर रहे हैं, उतना इनका बिजनेस नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको जो है इस प्रकार के फ्रॉड, एक प्रकार से इसे फ्रॉड ही कहा जाएगा फ्रेंड्स, दैट मीन्स कि प्रोमोटर्स छोटे मोटे जो न्यू यूजर्स होते हैं, जो न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका उपयोग करते हैं अपने फ़ायदे के लिए और ऐसे ही वो फ़ायदा उठाते हैं। अराउंड 1100% का 1500% का प्रॉफिट उन्हें मिलता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या फिर किसी टाइप की और भी क्वेरी हो या फिर सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।